जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों आज बट सावित्री अमावस्या है और बट सावित्री व्रत की सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई। दोस्तों धार्मिक मान्यता के अनुसार बट वृक्ष की जड़ में ब्रह्मा जी का निवास होता है, बट वृक्ष के तने में विष्णु भगवान का निवास होता है और बट वृक्ष की शाखाओं में भगवान शिव का निवास होता है। बट वृक्ष काफ़ी दीर्घायु होता है और लंबी आयु होता है, इसीलिए बट सावित्री व्रत के दिन बट के वृक्ष की पूजा की जाती है और सभी बहनें व्रत रख करके अब सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी आयु की कामना करती हैं। मान्यता है कि भगवान शिव भी इसी वृक्ष के नीचे तपस्या करते थे और भगवान बुद्ध को भी बट वृक्ष के नीचे ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस व्रत को लेकर शास्त्रों में कई तरह की धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं। पहली मान्यता यह है कि बट वृक्ष के नीचे ही भगवान शिव के आशीर्वाद से ऋषि मार्कंडेय को विष्णु भगवान के बाल मुकुंद अवतार के दर्शन हुए थे। दूसरी मान्यता यह है कि पतिव्रता सावित्री ने इसी बट वृक्ष के नीचे कठोर तपस्या कर अपने मृत पति सत्यवान को यमराज से वापस जीवित कर दिया था, वापस लेके आई थी इसी बट वृक्ष के नीचे। तो दोस्तों सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं बट सावित्री व्रत की। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगा, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।